Hello everyone, welcome back to TechCube Gate Classes, Environmental Engineering Series, Lecture Number 49. हम कंटिन्यू कर रहे हैं एयर पोल्यूशन से. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमें एक पोल्यूटेंट गिवन था NO2, उसको हमें कन्वर्ट करना था PPM में एंड PPB में. हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आज जो कि गेट का क्वेश्चन है, गेट 2016 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, जैसा कॉन्सेप्ट हमने कल सीखा था उसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे. बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजीली 2 मार्क्स फेच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको सॉल्व करने में. ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इज गिवेन एज 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. सो SO2 इज गिवेन एज 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. अंडर सेम कंडीशन एक्सप्रेस द अमाउंट इन PPM इफ P/RT इज गिवेन एज. ओके फाइन, मुझे P/RT का वैल्यू दिया हुआ है विच इज़ 41.6 मोल पर मीटर क्यूब. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है PPM में. राइट, यहाँ पे जो हमें अमाउंट गिवन है दैट मींस हमारा SO2 क्या है, इन द इंटायर गैस जो कंप्लीट गैस अवेलेबल है उसमें क्या है, उसमें 30 माइक्रोग्राम ऑफ SO2 इज अवेलेबल इन पर मीटर क्यूब ऑफ गैस. अगेन हमें PPM में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको PPM पर मिलियन पार्ट में लेके आएंगे, पर मिलियन. तो दिस विल बी ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय मिलियन. सो 30 × 10⁶ माइक्रोग्राम. अब अगर हम माइक्रोग्राम को कन्वर्ट करें तो दिस विल बी कन्वर्टेड इंटू ग्राम. सो फॉर नाउ अब तक में हमारे पास में 30 ग्राम्स अवेलेबल है 10⁶ मीटर क्यूब में, पर मुझे इसको पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करना है, मुझे ये यूनिट्स को चेंज करना है, एक कॉमन यूनिट में लेके आना है. तो हमारे पास में यूनिट एक अमाउंट गिवन है, P/RT का वैल्यू मेरे पास में गिवन है, मुझे V निकालना है. सो हमारा बेसिक्स फॉर्मूला वापस, PV = nRT, वी नीड टू फाइंड आउट आवर वी. वी इज नथिंग बट nRT/P. अब देखो यहाँ पे P/RT इसका वैल्यू हमारे पास में गिवन है, P/RT का वैल्यू मेरे पास में गिवन है, मेरे को सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है. सो n विल बिकम हाउ मच, SO2 है राइट, SO2 है, SO2 के मॉलिकुलर वेट कितना आएगा, 32 + 32 64. सो दिस इज 64, हमारे पास में वेट कितना गिवन है, 30. सो n इज नथिंग बट 30/64. ठीक है, सो दिस इज 30/64 इंटू 1/P/RT का दिया 41.6. ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट एन अमाउंट ऑफ 0.0112. सो 0.0112 मीटर क्यूब इज अवेलेबल. अब हम इसको वॉल्यूम एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट कर लिया हमने, ये जो 30 ग्राम है, दिस 30 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू इज 0.0112 मीटर क्यूब. सो नाउ आई कैन से, अब मुझे PPM में निकालना है, PPM में निकालना, दैट मीन्स 0.0112 इज अवेलेबल इन 10⁻⁶ मीटर क्यूब. मीटर क्यूब एक कॉमन जो यूनिट है, ये कैंसिल हो जा रहा है. सो यू विल गेट दिस मच ऑफ अमाउंट इज अवेलेबल इन पर मिलियन पार्ट ऑफ गैस. सो दिस वाज योर करेक्ट आंसर. गेट 2016 का क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स का. सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, वो क्या बता रहा है हमारे पास, यूनिट पे ध्यान रखना है किस बारे में वो बात कर रहा है, और हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक टुडे. ओके, ये आपका असाइनमेंट है फिलहाल, दिस वन यू विल सॉल्व इजीली, इसको सॉल्व कर सकते हो. यूनिट्स पे ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड यूनिट्स पे ध्यान रखना है, क्या डेटा दिया हुआ है, PPM पूछ रहा है या PPB पूछ रहा है, उस पे ध्यान रखना है, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द मेजर एयर पोल्यूटेंट ऑफ कंसर्न. ठीक है, अब देखो हम अब तक में जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे वो भी हम पॉल्यूटेंट्स का ही कर रहे थे, कि एयर में कितने अमाउंट में पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल है. ठीक है,
जो एयर पोल्यूटेंट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये एयर पोल्यूटेंट्स हम उनको मेजर उनको कह रहे हैं जो हमारे ही हेल्थ को इशू करता है। द मोस्टली यहाँ पे हमने 5 पोल्यूटेंट्स को लिस्ट डाउन किया है जिनका कि सीरियस हेल्थ इफेक्ट है, मतलब वो हमारे हेल्थ को सीरियस डिजीज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो है, फर्स्ट इज योर पार्टिकुलेट्स। पार्टिकुलेट्स मतलब पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर, इन पार्टिकुलेट मैटर को शॉर्ट में पीएम लिखा जाता है। ठीक है, ये पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर, और कोई मतलब नहीं है यहाँ पे फिलहाल पीएम का। और इस पीएम को एक्चुअली पीएम को हम साइज वाइज भी मेंशन करते हैं कि पीएम 2.5। दैट मीन्स पार्टिकुलेट मैटर वो जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर है। ठीक है, पीएम 5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर्स वो जिनका साइज 5 माइक्रोमीटर है। पीएम 10 वो जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो पार्टिकुलेट्स मैटर को साइज वाइज इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, पीएम 2.5, पीएम 5, पीएम 10। बहुत बार ऐसा कंपेरेटिव आता है क्वेश्चन में कि कंपैरिजन करने को दिया जाता है कि पीएम 10 इज हार्मफुल और पीएम 2.5 इज हार्मफुल। देखो, पीएम 10 कंपेरेटिव साइज ज़्यादा बड़ा है पीएम 10 का, एंड पीएम 2.5 जो है कंपेरेटिव साइज छोटा है पीएम 10 से, साइज की बात करो। तो क्या होता है, पीएम 10 क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। ये सब सस्पेंडेड है, एयर में सस्पेंडेड है पार्टिकुलेट्स मैटर। हम एयर पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं, मतलब ये पार्टिकुलेट मैटर्स जो है एयर में सस्पेंडेड है। सो वाइल ब्रीदिंग ये हम इसको इनटेक करते हैं, वाइल ब्रीदिंग वो हमारे बॉडी में जाता है, हमारे सिस्टम में जाता है। होता क्या है, पीएम 10 की साइज क्योंकि बड़ी है तो वो हमारे नॉस्ट्रल में कैप्चर हो जाते हैं, हम उनको बॉडी में इंटेक नहीं कर पाते हैं, वो नॉस्ट्रल में कैप्चर हो जाते हैं, इसीलिए हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे नोज में फिल्टर हो जाता है, नॉस्ट्रल से वो क्रॉस नहीं कर पाता है, ये फिल्टर हो जाता है। बट पीएम 2.5 क्योंकि बहुत छोटा है, इसको हमारा नॉस्ट्रल कैप्चर नहीं कर पाता है, फिल्टर नहीं कर पाता है, और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन कर जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये इन कर जाता है। सो पीएम 2.5 इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू पीएम 10। क्यों? क्योंकि पीएम 2.5 हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन कर जाता है, हमारे नॉस्ट्रिल्स इसको कैप्चर नहीं कर पाते, ये हमारे फिल्टर नहीं हो पाते हैं, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन कर जाते हैं, हमारे बॉडी में इन कर जाते हैं। पीएम 10 बींग ऑफ लार्जर साइज एज कम्पेयर टू 2.5 ये नॉस्ट्रिल में फिल्टर हो जाते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन नहीं कर पाते। तो ये पर्टिकुलर मैटर्स जो है इनका साइज ऑफ कंसर्न जो हमारे लिए है, जो हमारे लिए पॉल्यूटेंट काउंट होते हैं, दैट इज 0.01 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या करते हैं, दीज कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा। सॉलिड पार्टिकुलर मैटर हम किन को कहते हैं, जो डस्ट है, हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, डस्ट, स्मोक, फ्लाई ऐश, ये हमारे सॉलिड पार्टिकुलेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। लिक्विड पार्टिकुलेट्स के एग्जाम्पल क्या है, मिस्ट, मिस्ट स्प्रे, पिछले क्लास में भी इनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे। इम्पॉर्टेंट एक नया चीज है, दिस इज समथिंग न्यू टू नो, एक नया इंट्रोडक्शन है, एक नया वर्ड है, दिस इज एरोजोल। एरोजोल वो है जिसकी साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर है। एरोजोल वो पार्टिकुलेट मैटर है जिसकी साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर है, और ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। दिस कैन बी लिक्विड, दिस कैन बी सॉलिड। प्रॉब्लम एरोजोल की ये है, ये बहुत ही लाइटर है, ये बहुत ही छोटे साइज में है, एंड दिस वन इज ऑलवेज सस्पेंडेड इन एयर, ये हमेशा ही एयर में सस्पेंडेड रहता है, इसीलिए प्रॉब्लमेटिक है, ये सेटल ही नहीं हो पाता है। तो ये हमारे पार्टिकुलेट्स हैं जिनको कि हम पार्टिकुलेट मैटर्स भी बोलते हैं, जिसको कि हम पीएम के जैसे डिनोट करते हैं। पीएम अगर हम साइज वाइज डिनोट करें तो हम उनको 2.5 लिखते हैं जिनकी साइज 2.5 माइक्रोमीटर है, पीएम 5 लिखते हैं जिनकी साइज 5 माइक्रोमीटर है,
PM10 लिखते हैं जिनकी साइज 10 माइक्रोमीटर, हमारे लिए डेंजरस कौन सा है? दिस वन, दिस PM2.5, ठीक है, क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन कर जाता है, हमारे नॉस्ट्रिल में ये फिल्टर नहीं हो पाते, जिनकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, डिजीजेज होती है लाइक ब्रोंकाइटिस एंड आस्थमा। एरोजोल क्या है? जो नया टर्म जानने को मिला है इज एरोजोल। एरोजोल इज समथिंग विच हैज साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर एंड दिस इज डेंजरस बिकॉज इट्स ऑलवेज इन सस्पेंडेड नेचर। ये लिक्विड एंड सॉलिड दोनों ही हो सकते हैं, लेस देन 1 माइक्रोमीटर साइज के हैं। अब इनका हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो PM पार्टिकुलेट मैटर्स आर मेजर्ड यूजिंग हाई वॉल्यूम एयर सैम्पलर। अब इनको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं एज टोटल पार्टिकुलेट मैटर में और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में, ठीक है, टोटल पार्टिकुलेट मैटर और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये हाई वॉल्यूम एयर सैंपलर कैसे काम करता है? दिस वर्क्स इन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री, मतलब ये वेट मेजर करते हैं, मतलब वेट मेजर करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। होता क्या है, हमारे पास में एक सैंपलर है, दिस इज अ सैंपलर, दैट मींस दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट, हाई वॉल्यूम एयर सैंपलर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि जहाँ पे हमारा एयर इन करता है वो कुछ एयर ऐसा दिखता होता है, दिस इज हाउ समथिंग इट लुक्स लाइक। यहाँ पे एक कवर होता है, दिस वन, यहाँ पे हम अपना फिल्टर पेपर प्लेस करते हैं, यहाँ पे हम एक फिल्टर पेपर प्लेस करते हैं, दिस वन, सपोज दिस वन इज अ फिल्टर पेपर, ठीक है, यहाँ से एयर इन करता है एंड वापस एयर को आउट कराया जाता है, एयर इन एयर आउट। टेस्ट कैसे हो रहा है, देखो इस फिल्टर पेपर के थ्रू हमारा एयर को पास किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले मुझे इनिशियल वेट ऑफ फिल्टर पेपर लेना है, विदाउट स्टार्टिंग ऑफ दिस टेस्ट। तो इनिशियल वेट ऑफ फिल्टर पेपर लेंगे, अब तक मैं टेस्ट शुरू नहीं हुआ है, दैट इज आई एम राइटिंग एज W1, इनिशियल वेट ऑफ फिल्टर पेपर, अभी तक मैं टेस्ट शुरू नहीं हुआ है, अभी तक मैं सैम्पलिंग शुरू नहीं हुआ है, वो मेरा तब फिल्टर पेपर का वेट कितना है, W1। अब मेरा टेस्ट शुरू हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, एयर को हमने पास कराना शुरू किया है, एयर यहाँ से पास हो रहा है, दैट मीन्स इस फिल्टर पेपर से पास हो रहा है। तो जो भी पार्टिकुलेट मैटर्स अवेलेबल हैं इस एयर में वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, तो वो फिल्टर पेपर पे फिल्टर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हम जो वेट लेंगे दैट विल बी फाइनल वेट ऑफ द फिल्टर पेपर आफ्टर द टेस्ट, दैट आई एम राइटिंग एज W2। दिस इनिशियल वेट इज बिफोर टेस्ट, दिस फाइनल वेट इज आफ्टर टेस्ट, आफ्टर सैम्पलिंग ऑफ एयर जो वेट आ रहा है मेरा फिल्टर पेपर का, दैट इज W2। अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर है मेरा, सो अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, दैट मीन्स पार्टिकुलेट मैटर और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और टोटल पार्टिकुलेट मैटर का अमाउंट विल बी फाइनल वेट ऑफ द फिल्टर पेपर माइनस इनिशियल वेट ऑफ द फिल्टर पेपर। जो W2 है इसमें फिल्टर प्लस पार्टिकुलेट मैटर है, जो W1 है उसमें सिर्फ फिल्टर पेपर है। तो अगर हम इनको डिफरेंस निकालेंगे, तो वी विल गेट द अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर सैंपल्ड। सो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर मैटर है ये हमें मिल जाएगा, हम इसको भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो जो हमारा यह इंस्ट्रूमेंट है इसमें डायल गेजेस लगे होते हैं, डायल गेज से मुझे रेट ऑफ फ्लो पता चलेगा, ठीक है, डायल गेज से मुझे रेट ऑफ फ्लो पता चलेगा, डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ एयर सैंपल पता नहीं चलेगा। सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर सैंपल, हमें पता है रेट से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम का यूनिट मुझे कैंसिल करना है, ठीक है, रेट में क्या आएगा, रेट में अमाउंट होगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सो रेट ऑफ एयर सैंपल हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के यूनिट से, देन यू विल गेट द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। सो रेट ऑफ एयर सैंपल इन टू ड्यूरेशन, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर सैंपल।
रेट ऑफ एयर सैंपल कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है एयर पंपिंग, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर अवेलेबल इन द एटमोसफेयर। ये इंस्ट्रूमेंट का इक्विपमेंट का नाम ध्यान रखना, ठीक है। इक्विपमेंट का नाम कई बार मैच द फॉलोइंग्स में भी आता है, पूछा गया है, पूछ भी सकता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज द क्वेश्चन आज इन गेट 2011, एक मार्क्स का क्वेश्चन था। टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कॉन्सेंट्रेशन इन एम्बिएंट एयर इज मेजर्ड टू बी यूजिंग हाई वॉल्यूम एयर सैम्पलर, ठीक है। फिल्टर्ड यूज विद द पर्पस इनिशियल ड्राइवेट, ओके। सो डेटा फिल्टर कर लेते हैं हम लोग अब। सो इनिशियल वेट कितना दिया, W1 विच इज इक्वल टू 9.787, अच्छा ये ग्राम्स में है। और डेटा क्या दिया हुआ है, फिल्टर वॉज माउंटेड, द फिल्टर पेपर वॉज सेट, ओके। तो फर्स्ट रेट मेरे पास में दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है एज 1.5 मीटर क्यूब पर मिनट, ओके। सैंपल कंटिन्यूड फॉर 24 आवर, ड्यूरेशन दिया हुआ है 24 आवर। ध्यान रखना क्या क्या डेटा हमें चाहिए, एयर फ्लो आफ्टर 24 आवर्स वॉज मेजर्ड टू बी, अच्छा ओके। इसने क्या किया, स्टार्ट किया इनिशियल एयर फ्लो का जो रेट था दैट वॉज 1.5, पर 24 आवर्स के बाद जब उसने चेक किया तो इट वॉज 1.4। सो R2 इज 1.4 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। ड्राई वेट ऑफ द फिल्टर पेपर आफ्टर 24 आवर्स इज इतना, ओके फाइन। सो सेकेंड वेट W2 इज द फाइनल वेट इज गिवन एज 10.283 ग्राम्स। अज्यूमिंग लीनियर डिक्लाइन इन द एयर फ्लो रेट ड्यूरिंग सैम्पलिंग, वॉट इज द 24/7 सैम्पलिंग वॉज इतना, ओके। अज्यूमिंग अ लीनियर decline in the air flow sampling, what is the 24-hour average TSP concentration in the ambient air? Okay, so now we need to find out the total suspended particulate matter का कितना amount available है हमारे atmosphere में, right? हमें क्या पता है, this will be given by W2 minus W1 by volume of the air sample. पर वॉल्यूम हमें डायरेक्टली दिया हुआ रहता नहीं है, तो हमारे को क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। सो वॉल्यूम आई कैन फाइंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग रेट विथ ड्यूरेशन, पर यहाँ पे रेट भी दिया हुआ है, दो रेट दिया हुआ है, एक और कंफ्यूजन। तो देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है कि अज्यूमिंग लीनियर डिक्लाइन, ठीक है, लीनियर डिक्लाइन हो रहा है रेट में, एंड वो मुझे एवरेज TSP निकालने बोला है। That means जो हमारा रेट आएगा, that rate will be, this R will be equal to 1.5 plus 1.4 divided by 2. So we will get the average rate which is 1.45 meter cube per minute. Easy, अब clear हो गया सब। तो सिर्फ अगर ये rate हमारा निकल गया आराम से, तो volume हम निकाल सकते हैं 1.45। हमें क्या करना है, मीटर क्यूब का यूनिट चाहिए, मिनट का यूनिट को मुझे हटाना है। कैसे हटाएंगे, मिनट के लिए मेरे पास में ड्यूरेशन दिया हुआ है, ड्यूरेशन बट गिवन इन 24 आवर्स, तो इस 24 आवर्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में। तो 24 आवर × 60, अब ये मिनट में हो गया, तो ये मिनट कैंसिल हो जाएगा, मेरा वॉल्यूम आ जाएगा सिर्फ। सो वॉल्यूम इज गिवन बाय 1.45 × 24 × 60, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच, this will be 2088 meter cube। अब ये question बहुत easy हो गया, अब इसमें कुछ नहीं रह गया। so your TSP is equal to W2 minus W1 और volume is 2088, W2 was 10.283, W1 was 9.787 divided by 2088, you will get the amount in gram per meter cube, coming as 2.375 × 10⁻⁴ gram per meter cube, ठीक है। बट मुझे ऑप्शंस दिया हुआ है माइक्रोग्राम, ठीक है।
माइक्रोग्राम में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके फाइन, सो दिस इज 2.375 बाई 10^4 माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है. दोनों में हम 10^2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट 237.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, सो ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट ऑप्शन. सम नोट्स अबाउट पार्टिकुलेट्स: डस्ट, स्मोक, मिस्ट, फॉग, फ्यूम्स, एरोसोल, PM2.5, PM5 एंड PM10. रिमेंबर दीज. ओके, नेक्स्ट मुझे पॉल्यूटेंट पे चलते हैं. फर्स्ट मुझे पॉल्यूटेंट हमने कवर किया, पार्टिकुलेट्स. नेक्स्ट मुझे पॉल्यूटेंट इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी डेंजरस पॉल्यूटेंट. कैसे देखो, इट्स अ टेस्टलेस, ऑडरलेस, कलरलेस इनर्ट गैस. पता ही नहीं लगता, ना तो इसका कलर में चेंजेस दिखता है, ना इसमें कोई ऑर्डर है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है या नहीं. दिस इज अ एस्फिशिएंट, दैट मीन्स इट कॉजेज ब्रेथलेसनेस. दिस कॉजेज ब्रेथलेसनेस. CO का क्या है, एफिनिटी है होमोग्लोबिन के साथ में. सो CO रिएक्ट विथ होमोग्लोबिन. होमोग्लोबिन का बॉडी में क्या काम है, होमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू द एंटायर पार्ट ऑफ द बॉडी. अब CO क्या करता है, CO रिएक्ट विथ होमोग्लोबिन मेक्स कार्बोक्सी होमोग्लोबिन. दिस इज नथिंग बट योर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. अब इसके साथ क्योंकि बॉन्ड बन जाता है तो बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है. बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. सो दिस रिएक्ट्स विद ब्लड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद होमोग्लोबिन. होमोग्लोबिन के वजह से रिएक्शन हो जाने की वजह से होमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्रीथलेसनेस हो जाएगी, तो फिर इंसान का डेथ हो सकता है. CO इन एम्बियंट एटमोसफेयर इज मेजर्ड बाय नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड एनालाइजर, जिसको कि NDIR भी बोलते हैं. ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे पास में मेजरिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड आपको बीटेक में नहीं पढ़ना है. अगर आप मास्टर्स करोगे तब वहाँ पे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको. इट रिमेन्स इन एयर फॉर अ पीरियड ऑफ 2.5 मंथ्स. अब देख लो, ये एक तो सीरियस हेल्थ इश्यूज भी कर रहा है, प्लस इसकी रेसिस्टेंस टाइम जो है, इसकी जो रिमेनिंग टाइम है, जो रेसिस्टेंस टाइम है एयर में, दैट इज ऑफ 2.5 मंथ्स. 2.5 मंथ्स के लिए वो एटमॉस्फेयर में रह सकता है. तो हमने जब एयर पोल्यूशन के डेफिनेशन की बात करी थी तभी हमने कहा था कि इफ इन सच कॉन्सेंट्रेशन, सच क्वान्टिटी, सच ड्यूरेशन, सच कॉन्सेंट्रेशन, हो सकता है वो एटमोसफेयर में कम ड्यूरेशन के लिए, सॉरी कम कॉन्सेंट्रेशन में ही हो, लेकिन लंबे समय तक अगर है तो वो सीरियस हेल्थ इशू है. दैट मीन्स कि ये CO जो है 2.5 महीने तक जस्ट बिकॉज वो एयर में रहता है, एटमॉस्फेयर में रहता है, तो दिस बिकम्स अ पॉल्यूटेंट. अब ये एयर पॉल्यूटेंट बन जाता है. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सल्फर ऑक्साइड, मतलब दिस इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर. सल्फर इसको हम लोग सॉक्स भी पढ़ते हैं, SOX को हम लोग सॉक्स भी पढ़ते हैं, विच इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में जो मोस्ट डेंजरस फॉर्म है दैट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. SO2 इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म आउट ऑफ द ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. सल्फर ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, पंजेंट स्मेल होता है इसमें. अब देखो कलर से तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे सॉक्स को, बट यू कैन आइडेंटिफाई सॉक्स बाय देयर पंजेंट स्मेल. पंजेंट स्मेल मतलब डैम्प स्मेल. अगर किसी सीलिंग पे, किसी वॉल पे, किसी वाटर कंटेनिंग स्ट्रक्चर पे डैम्प हो जाता है तो उसके डैम्प में जो स्मेल होता है दैट स्मेल इज कॉल्ड पंजेंट स्मेल. तो आप पंजेंट स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सल्फर के ऑक्साइड्स जो है वो एनवायरमेंट में अवेलेबल है. अच्छा, दिस रिमेन्स इन एटमोसफेयर फॉर 4 to 5 days. अब SO2 आई सेड ना कि बहुत आउट ऑफ ऑल दी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO2 इज द मोस्ट डेंजरस. क्यों, क्योंकि SO2 की वजह से एसिड रेन होता है. ठीक है, एसिड रेन होता है SO2 की वजह से. अब एसिड रेन किसको किसको हार्म करता है, ह्यूमन को,
स्किन डिजीज होता है SO2 से, प्लांट को क्योंकि एसिड रेन उनको सर्वाइव करने नहीं देता, प्रॉपर्टीज को क्योंकि प्रॉपर्टीज को वो डैमेज कर देता है, प्रॉपर्टीज में स्केलिंग हो जाती है, कलर निकल आता है। तो ये जो डिकलरिंग होता है दिस इज ऑल कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ SO2 इन द एसिड रेन। ठीक है, सो SO2 इज मोस्ट डेंजर आउट ऑफ ऑल द ऑक्साइड, सो डैमेजेस बिल्डिंग, अफेक्ट्स प्लांट लाइफ। ह्यूमन को SO2 एज अ रेस्पिरेटरी इरिटेंट भी है। रेस्पिरेटरी इरिटेंट क्या करते हैं, दिस अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम को हमारे अफेक्ट करता है। SO2 इज मेजर्ड विद द मेथड इज कॉल्ड Westenghik मेथड। प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द मेथड्स, ऑल द इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट इज योर नॉक्स। नॉक्स आउट ऑफ, अगेन आउट ऑफ ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO2 इज द मोस्ट डेंजरस वन। ठीक है, अभी तक में हमने जो लास्ट पढ़ा था दैट वॉज SOx, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। NOx इज योर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो SOx, NOx ऐसे करके हम इनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। सो NO2 डैमेजेस द एल्वियोली ऑफ लंग्स। ठीक है, NO2 के वजह से डैमेज होता है, सो वी आर सेइंग दैट इट इज द मोस्ट डेंजरस आउट ऑफ द ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अगेन NO2 कॉजेज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इन एनवायरमेंट। ठीक है, देखो कैसे NO2 के वजह से क्या हो रहा है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मतलब एसिड रेन हो रहा है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था NO2 के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल स्मॉग बन रहा था। ठीक, दिस ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। NO2 डैमेजेस प्लांट्स एज वेल। NO2 इज मेजर्ड बाय जेकब ऑशियर्स मेथड। ठीक है, ये मेथड्स के नाम प्लीज ध्यान रखने आपको। लास्ट वन इज वन ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट इज योर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है तो दिस विल बी प्रॉब्लमैटिक टू द लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ, सबके लिए। ये हाइड्रोकार्बन हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, दिस कैन कॉज लंग कैंसर टू ह्यूमन एज वेल। दिस इज मेजर्ड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सबके आपके पास में मेजरिंग इक्विपमेंट्स के नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, सबके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आई शो यू वंस, दिस इज द स्टैंडर्ड, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। इनके आपको स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखना है, इनके लिमिट्स को आपको ध्यान रखना है। ये सारे लिमिट्स के यूनिट है आपके माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। स्टैंडर्ड्स लिमिट्स से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस टेबल। इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया एंड सेंसिटिव एरिया के बेसिस पे आपके कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट्स किए हुए हैं कि ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ओके, लेट्स सी, एक गेट का क्वेश्चन है। सो कंसीडर फोर कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स फाउंड इन द अर्बन एनवायरनमेंट, NO, SO2, सूट एंड ओजोन। अमंग दीज विच वन इज द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, यू टेल मी द आंसर। हमने इनको कवर किया है, प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है, सो यू मस्ट से व्हाट इज द करेक्ट आंसर। गेट के क्वेश्चंस हैं ये। ओके, ये क्वेश्चन है, लेते हैं किस क्वेश्चन को क्या डेटा दिया है हमारे पास में। थर्मल पावर प्लांट कंज्यूमिंग कोल एट अ रेट ऑफ 5 टन पर आर कंटेनिंग 2% सल्फर, फाइंड द अमाउंट ऑफ सल्फर ऑक्साइड एमिशन इन द यूनिट ऑफ ग्राम पर सेकेंड। ठीक है, सो विल टेक, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, डेटा निकाल लेते पहले। कोल कंजम्पशन का जो रेट है, कोल कंजम्पशन रेट इज 5 टन पर आवर। फटाफट पहले हम पहले यूनिट कन्वर्ट कर लेते हैं, मेरे पास में यहाँ पे यूनिट क्या है, ग्राम सेकंड, तो हम उनको उसी यूनिट में लेके आते हैं। सो 5 × 1000 दिस विल कम इन kg, × 1000 दिस विल कम इन ग्राम। आर में दिया हुआ है, आर को फर्स्ट विल मल्टीप्लाई विथ 60 विल गिव इन मिनट, एक और 60 विल कम इन सेकेंड। सो दिस इज 5 × 10^6 divided by 3600 gram per second. इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1388.9 ग्राम पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द कोल कंजम्पशन करे, वी नीड टू फाइंड आउट SO2 का एमिशन। अब इसमें यह कहा जा रहा है इस कंजम्पशन रेट में क्या हो रहा है, सल्फर मेरा 2% है, सो सल्फर का अमाउंट इज
2% of this amount 1388.9, which will become 2 divided by 100 into 13889. That means sulfur ka amount is 27.78 gram per second. अब समझना, सल्फर से हम सल्फर डाइऑक्साइड तक पहुंचना है. सो एस प्लस ओ टू विल गिव मी एस ओ टू. दिस इज 32, दिस इज 32, दिस इज कमिंग एज 64. ठीक है. सो हम ये देख रहे हैं दैट 32 पार्ट्स ऑफ सल्फर इज गिविंग 64 parts of SO2, right? So one part of sulfur will give how much? 64 by 32 part of SO2, right? We have got the amount of sulfur as 27.78. So 27.78 part of sulfur will give how much? 64 by 32 into 27.78 part of SO2. यही चाहिए था हमें, यही निकालना था कि कितना अमाउंट इज बीइंग एमिटेड इफ द कोल कंजम्पशन रेट इज गिवन एज सच एंड सच. तो हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट करके वी कैन फाइंड आउट दैट दिस अमाउंट विल बिकम 2, राइट? सो 2 इज 55.54 ग्राम per second. This much amount of SO2 is, this much gram of SO2 is liberated, emitted per second if the rate of coal consumption is 5 ton per hour.